वीडियो में कई देखी होंगी इस तरीके से कंटेनर दिखा दिए जाते हैं भैया, बोलते हैं 5 रुपए 10 रुपए दुकान पे आके मांग लो, भैया इनकी खरीद नहीं आती है, 50 पैसे 1 रुपए बोल दिया जाता है जी। मैं कह रहा हूँ किसी दुकानदार के पास जाओ आप, इसके कह देना मुझे 100 डब्बे चाहिए, पूरी दुकान में कुछ नहीं चाहिए। भैया फ्रेश का रेट 3 रुपए से स्टार्टिंग होती है इन चीजों की, जो एक एक दर्जन दिखाया जाता है। गले के हार की बात करें, गले के हार की स्टार्टिंग प्राइस जो होती है भैया मेरे पे होती है 10 रुपए से। ये मेरी फर्म है, ये मुखिया एंड पार्लर कॉस्मेटिक है। देखिए स्टार्टिंग प्राइस जो मेरे पास हो जाती है ये होता है भैया स्टार्टिंग प्राइस 28 रुपए 30 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है। ऐसे माथा टीका वगैरह पैटर्न चाहिए इस तरीके, देखिए 35 रुपए 40 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। एडी का पैटर्न है, एडी का मतलब होगा अमेरिकन डायमंड, जो बाहर की चीज हो जाती है। 1 रुपए का आइटम है 12 रुपए दर्जन। उस दुकान में जहां पे तुम्हें हर आइटम 1-2 रुपए बताया जाए ना, समझ लेना कितना बुरा आपके साथ होने वाला है जी। क्योंकि जैसी क्वालिटी होती है, 1 रुपए का आइटम याद रखना हमेशा 5-10 से ज्यादा नहीं बिक सकता। कोई आपसे कहे कि भैया ये देख लो इतना बढ़िया हार है, मेरे यहाँ से 10 रुपए का है, मैंने जैसे समझा डब्बा ही खाली 20-25 रुपए का हार, तो बहुत दूर की चीज हो जाती है वाली है। इस तरीके के आइटम दिखाए जाते हैं हर वीडियो के अंदर 5-5 रुपए की। तुम खुद एक लेडीज हो या बहन, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, भाई मार्केट में जब निकलता होगा ऐसे आइटम देखता होगा बिकता हुआ, या बहन कभी इस दुकान पे जाती होगी ऐसा आइटम देखती होगी, 70 रुपए 100 रुपए जो रिटेल प्राइस है वो 5 रुपए का बताया जा रहा है, सिर्फ ऐसा आइटम दिखा के लालच दे देता है ऐसे। दोस्तों आज मैं आपको लगाया ऐसी शॉप पर जहाँ पे साल का 300 रुपए चलने वाला काम है, सर क्या क्या दिखाने वाले आज? सही व्यापारी भाई को राम राम, जय श्री श्याम, जय महाकाल। देखिए भैया रेट इस टाइम करवा चौथ दिवाली, ये वीडियो जिस तक पहुंच रही है इस टाइम सिर्फ वही व्यूज इस चीज को देख पा रहे हैं कि करवा चौथ दिवाली स्पेशल हर कोई बोल रहा है जी। मैं पहले सही व्यापारियों को इस बात को बोलना चाहूंगा, जो रेट मैं बताने वाला हूं ये 12 माह चलने वाले हैं और 1-2 रुपए वाले इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि हर आइटम 1-2 आप जो वीडियो देखते हैं वो इस लालच में देखते हैं कि 1-2 रुपए 1-2 रुपए। गिलास का पानी का एग्जाम्पल पूरे भारत में दिया जाता है, उसकी भी कीमत आज की डेट में 2-2.5 रुपए 3 रुपए हो गई भैया, तो 1-2 रुपए वाले इस वीडियो को दूर बनाए रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। कुछ आइटम होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। लिपस्टिक की वैरायटी से हर कोई स्टार्ट करता है, मैं भी लिपस्टिक की वैरायटी से स्टार्ट करूंगा भैया। स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से जो होने वाला है ये होती है भैया 2 रुपए 2.5 रुपए, ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग होती है। दस रुपए सेल का आइटम है, मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे जेन्युइन दुकानदारी है या नहीं है, खाली बोलना ही बोलना हो रहा है। इस तरीके से इन चीजों पर रेट लिखा जाएगा, जैसे 2.5 रुपए का पीस है, 2.5 रुपए का पीस 30 रुपए दर्जन, 10 रुपए बिक्री। घर में कोई बच्चा भी होगा वो भी इस तरीके समझ लेगा। स्टार्टिंग प्राइस बोलिए भैया, हर तरीके की वैरायटी क्वालिटी आपको समझा के दूंगा, ये स्टार्टिंग प्राइस है। इससे ऊपर की जब वैरायटी आएगी तो इस तरीके से आती है ग्रीन टी, ये हर मार्केट में मिलने वाली चीज है। इसका जो रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस है यहाँ से पड़ता है भैया 3 रुपए 36 रुपए दर्जन, 3 रुपए, ठीक है भैया। अब आप कस्टमर जब होता है इनको दिखाता है, अब वो आके बहस करता है भैया हमारे यहाँ रेट है ये क्वालिटी है। इसका अगर आप ओरिजिनल देखोगे तो मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगा। अच्छा। ये ग्रीन टी नॉर्मल है, ये एडीएस का ब्रांड है, इसकी जो खरीद आती है वो पड़ती है आपको 5 रुपए 60 रुपए दर्जन। भैया ये देखो आप गौर करके देखिए, दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर आएगा, ये 3 रुपए ये 5 रुपए ये डिफरेंस होता है हर चीज की क्वालिटी का, ठीक है। तो ये मत देखिए कि जो हाथ में दिखाया जा रहा है वो असली हो सकता है, दुकान पे जब आप आओगे हर तरीके की असली नकली कॉपियां बहुत चीजें होती है। भैया अगर आपको मेले वाले हो ये वाला वैरायटी लेके जाओ, दुकानदार हो तो ये लेके जाओ, 1 रुपया महंगा खरीदना पड़ेगा क्योंकि दुकानदारी हमेशा लंबे समय तक चलानी पड़ती है। तो दुकानदारी में 1 रुपया चाहे महंगा खरीदोगे ये गारंटी का आइटम होता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट रहता है। भैया हर चीज सस्ती लेके जाओगे तो कूड़ा होता है, ये याद रखना। मेहनत करनी है तो 2 रुपए महंगा ले लो, लेकिन लॉन्ग टाइम का लो, ज्यादा सस्ते के चक्कर मत आओ, ठीक है। मान लोगे तो बीबीएस उठा, भैया जाहिर सी बात है सस्ता लोगे तो सस्ता मिलेगा। अब थोड़ी बढ़िया की बात करिए, देखिए इस तरीके का होता है कंटेनर, 7.5 रुपए 90 रुपए दर्जन का आइटम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला रेट सब पे मेंशन कर दूंगा इस तरीके से, 7.5 यानी 90 रुपए दर्जन। एक डब्बे में 2 दर्जन माल है, आपका दिल कर रहा है 25 का बेच दो, आपका मन कर रहा है 30 रुपए का बेच दो, इस तरीके से ही है। एक चीज याद रखना हमेशा रेट के साथ उसकी क्वांटिटी नोटिस करनी चाहिए हमेशा। 7.5 रुपए के हिसाब से 90 रुपए दर्जन ये हुआ, उसके बाद जब 2 दर्जन करोगे तो ये 180 रुपए का बॉक्स होगा रेडी, इस तरीके से ये रेट आपको मैं समझा के दे रहा हूँ। थोड़ी बढ़िया की बात करूंगा, देखिए इस तरीके से आती है, जैसे आपको वीडियो में कई देखी होंगी इस तरीके से कंटेनर दिखा दिए जाते हैं भैया, बोलते हैं 5 रुपए 10 रुपए दुकान पे आके मांग लो, भैया इनकी खरीद नहीं आती है। इनको जो आप रेट देखोगे ना 18 रुपए 22 रुपए 32 रुपए 34 रुपए 36 रुपए, इन तरीके के कंटेनर होते हैं। जो जेन्युइन इस दुकानदार वीडियो देख रहा हूँ ना दुकानदार, वो इन चीजों को समझेगा कि कंटेनर क्वालिटी होती नहीं होती, ये होता है लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट। ये देखिए मैंने आपको कस्टमर आपसे पहले वीडियो बनाने से पहले कस्टमर को डील कराया, ये सब आपके ग्लोव है, इनको आप कितना ही मिटाओगे इतनी जल्दी मिटने वाले ग्लोव नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको 2-4 रुपए प्रोडक्ट दिखाऊंगा एक बार लगाते ही छूट जाएगा, ये लॉन्ग लास्टिंग है, 2-2 3 दिन भी चलता है दोस्तों। जैसे चीनी डालोगे वैसी मिठास आपको मिलने वाली है, ठीक है। उससे बढ़िया मैं थोड़ी नेक्स्ट आइटम की बात करूंगा, जैसे नेल पेंट वगैरह, नेल पेंट वगैरह के भी मैं समझाता हूँ भैया।
मैंने जैसे बोला एक दो रुपए वाले दूर रहे और अब भी कह रहा हूँ दूर रहे, ये होती है स्टार्टिंग। ठीक है, 50 पैसे 1 रुपए बोल दिया जाता है जी। मैं कह रहा हूँ किसी दुकानदार के पास जाओ आप, इसके कह देना मुझे 100 डब्बे चाहिए, पूरी दुकान में कुछ नहीं चाहिए। भैया फ्रेश का रेट 3 रुपए से स्टार्टिंग होती है इन चीजों की, जो एक एक दर्जन दिखाया जाता है। ये देखिए, अगर पूजा पाठ के नाम पे लोगे तो 50 पैसे 1 रुपए मिल जाएगी। इसकी इसकी शकल देखिए और इसकी शकल देखिए, ये सब 1-1.5 रुपए बताया जाता है, पर माल किसी दुकानदार पर बल्क में नहीं होता अगर आप सिंगल पीस लेते हो तो। अगर आप फ्रेश में आप मेरे से बात करना चाहोगे तो देखिए, ऐसे गारंटी का आइटम स्टार्ट होता है 2.5-3 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, रिटेल के अंदर 10 रुपए का बिकेगा, 6 महीने की गारंटी का आइटम है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया की बात करोगे रेट बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे देखो 5 रुपए 7.5 रुपए 10 रुपए 12 रुपए 13 रुपए 15 रुपए, इस तरीके से जैसा कंटेनर वैसी क्वालिटी। अब ये जेल के अंदर पैटर्न है, इस तरीके की बात करूंगा मैं भैया, इस कंटेनर की 16-18 रुपए खरीद आती है। अगर मैं भी भैया बाल बच्चे वाला हूँ, मैं भी दुकानदार हूँ, आपको कुछ नहीं तो 1 रुपए रख के दूंगा, तो इस चीज को समझना। ठीक है, ये जेल पैटर्न में है, आपको हमेशा वीडियो में क्या दिखा दिया जाता है, इस तरह के कंटेनर दिखा दिया जाता है, भैया 1 रुपए का है 2 रुपए का। अरे आप खुद सोचो, जो आइटम रिटेल में आपके यहाँ 50 की बिक्री है, क्या 17,000 इतना सस्ता है कि 1-2 रुपए में आइटम दे रहा होगा? यहाँ बाढ़ थोड़ी आ रही है भैया। तो जब भी कोई आइटम खरीदे, पहले सबसे पहले जज करे क्वालिटी उस बेस की है नहीं है। अगर ये मैं 50 रुपए बिक्री बोल रहा हूँ तो खरीदी भैया 18-20 रुपए आएगी, इस चीज को समझ के ले मेरे से। ठीक है, गले के हार की बात करें, गले के हार भी मिलेंगे। गले के हार की स्टार्टिंग प्राइस जो होती है भैया मेरे पे होती है 10 रुपए से, 2-4 रुपए वाला नहीं है। इसकी शकल जो बता देते हैं 2-4 रुपए, खाली डब्बी ना आती है 2 रुपए की, आपको हार दे देगा वो 2 रुपए का। तो ये 10 रुपए का सेट से स्टार्टिंग होती है, 120 रुपए दर्जन का आइटम है भैया। देखो झूठ बोलने वाली बात नहीं है, बस जो जिसको अपना सिक्का उड़ा रहा है, जैसा दलाल एजेंट होते हैं वो भी वीडियो बना के डाल देते हैं भैया। मैं वही चीज है, दुकानदार की पहचान बताता हूँ आपको। ये देखिए, सोनू मेरा नाम है, दुकान का नाम है मुखिया पार्लर एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, ये मेरी फर्म है, ये मुखिया एंड पार्लर कॉस्मेटिक है। भारत के जिस कोने में आपको माल चाहिए, आधार कार्ड लेके आना, माल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मिनिमम ऑर्डर 500 का भी रहेगा एक बात के लिए खाली। ठीक है, बाकी ऑल ओवर इंडिया अपनी डिलीवरी रहने वाली है। फर्स्ट टाइम में जितना हो दुकान पाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि जो बातें मैं आपको सामने समझा सकता हूँ वो आपको फोन पे नहीं हो पाती है। बिल्कुल, अगर घर माल मंगाओगे पेमेंट पहले होगी, चाहे बात 500 की हो, चाहे बात हो 50,000 की, चाहे हो 50 लाख की, पेमेंट पहले कर सकते हो तो ही फोन करें, वरना खामखा में अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, हमारा भी ना करें। पक्की फर्म का आइटम होने वाला है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना पूरा माल जाता है। ठीक है भैया, आइटम की बात चल रही थी, देखिए हार की जैसे मैंने आपको बताया 10 रुपए। थोड़ा बढ़िया की बात करूंगा तो देखिए, स्टार्टिंग प्राइस जो मेरे पास हो जाती है ये होता है भैया स्टार्टिंग प्राइस 28-30 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है, जैसा कंटेनर वैसी क्वालिटी। अब ये देखिए भैया, ये सिंपल सेट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मेरे पे पड़ रहा है 60 रुपए का, ये फ्रेश का रेट है। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर कोई आपसे कहे भैया 10-20 रुपए में हार आता है, इस खाली डब्बे का रेट है 15-18 रुपए, इस खाली डब्बे का रेट आता है। वहीं पे मैं इस तरीके के बढ़िया की बात करूंगा ना अगर, तो इस तरीके के सेट आपको 100-120-150 रुपए से स्टार्टिंग मिलती है। इसके डब्बे का रेट आ चले जाता है 20-25 रुपए। खाली डब्बे में जब हार नहीं आ रहा है आपको, आप खाली हार 20-25 रुपए में खरीदना मार्केट आए, तो ये लालच के चक्कर में मत आओ भैया कभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जेन्युइन आपको दुकानदारी पहचाननी है तो हमेशा चीज की क्वालिटी जज करें, तब आपको पता लगेगी सामने वाला लालच दे रहा है या वाकई में दुकानदारी का हिसाब बता रहा है। ठीक है भैया, ये हार का मैंने आपको कलेक्शन दिखाया है, इस तरीके से अगर लूज में आपको हार चाहिए तो देखिए, लूज में भी अपने पास सस्ता भी है, बढ़िया भी और सस्ता दोनों दिखा रहा हूँ। ऐसे माथा टीका वगैरह पैटर्न चाहिए, इस तरीके देखिए 35-40 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, बढ़िया आप जितना बढ़िया आप ले सकते हो उतना मेरे पे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी इस तरीके के एडी वगैरह पैटर्न में आइटम चाहिए तो देखिए, इस तरीके से आइटम मिलेगा पैटर्न में, एडी में 43 रुपए का पीस है, रिटेल के अंदर कहीं पे भी आप बेच लोगे 100 रुपए का एडी पैटर्न में। सिंपल हार की बात करोगे देखिए, दिखने में इससे ज्यादा भरा मिलेगा, ये देखिए दिखने में इससे ज्यादा भरा है, ये देखिए खाली इसके अंदर ये एडी का पैटर्न है, इसलिए कीमत अलग है और ये हल्का पैटर्न है, दिखने में है खाली, दोनों का रेट बराबर रहने वाला है। थोड़ी और नेक्स्ट आइटम की बात करी जाए तो देखिए, इस तरीके से ये मेकअप किट है भैया, हर जगह की कॉस्मेटिक की सबसे पहले आइटम मांगता है मेकअप किट चाहिए भैया, और कुछ तो बाद में लेंगे। तो ये देखिए मेकअप किट की वैरायटी है, इसका भी मैं आपको प्राइस बताना चाहूंगा, ये स्टार्टिंग प्राइस मेरे पास से जो होता है वो होता है आपको 52 रुपए इसकी खरीद है। आप सोचते हो कि भैया हमने एक जगह संभाल लिया था, उसने तुम्हें 40 रुपए की दी, एक बार बताओ तुम्हें एक आइटम तो दे देगा, दूसरा आइटम है वो बढ़ा देगा, तो इस चीज को भी तो समझो, एक आइटम अगर सस्ता देने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा भी सस्ता है, दूसरा आइटम की जिसका आपको रेट की जानकारी उसमें बढ़ जाते हैं, तो हमेशा इस चीज को समझें। मैंने आपको अगर आपके यहाँ पे 100 रुपए का बिक रहा है तो ये 20 रुपए की मेकअप किट कभी नहीं आ सकती, भैया फिक्स रेट है 12 महीने का, 12 महीने 365 दिन चलने वाला व्यापार है। और एक चीज और समझ के रहे, कई बार दुकानदारी क्या करता है आपको रेट लगा के दे देता है, मैंने खुद इस चीज को करा है, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ,
कि भैया आपने तो भैया सब पे रेट डाल रखा है, या समझाने के लिए, सिर्फ एक दुकानदारी समझाने के लिए तरीका होता है कि आपको रेट मेंशन करके दिया जाता है। कई दुकानों पे स्टिकर लगा के पहले से रेट डाल दिए जाते हैं। एक चीज याद रखना भैया, दुकानदार होलसेलर सदर बाजार का कभी इतना फ्री नहीं बैठा है कि वो पूरी दुकान के आइटम पे रेट डाल दे। कुछ चीजें आप तक समझाने के तरीके से खाली रेट डाला जाता है, ये नहीं कि वो पूरी दुकान में रेट डाल के पहले से बैठा पड़ा है। हर तरीके का रेट होता है, हर तरीके की क्वालिटी होती है, रोज माल अपडेट होता है, ठीक है। दुकान में जब भी आए आप, एक तो सदर बाजार में एजेंट घूमते हैं, उनसे आपको बचना है, और आने से एक दिन पहले कॉल करके आने। मुझे अचानक से मुझे सरप्राइज नहीं देना कि भैया हम आ गए, लड़का भेज दो। मैं सरप्राइज होना हूं, लेकिन कोई दलाल आपको जरूर सरप्राइज कर देगा वहां खड़े होके। तो आने से पहले फोन करके जरूर आए, ठीक है भैया। इस तरीके की देखिए, नेक्स्ट आइटम की बात करूंगा, थोड़ा ऐसे लॉन्ग वगैरह आती है, यहाँ से जो पड़ रही है भैया 90 पैसे की है, जो रिटेल के अंदर 90 पैसे की है, रिटेल के अंदर 5 रुपए की, हर जगह का बाजार का रेट है, ठीक है। इस तरीके के पीतल की बात करूंगा, ये होता है आपका थोड़ा गारंटी वाला आइटम, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए, इस तरीके से की वैरायटी आती है। एक चीज याद रखना, जर्कन अलग चीज होती है, एडी अलग चीज। अगर मैं कोई एडी का आइटम आपको दिखाऊंगा तो एडी के पैटर्न अलग अलग होते हैं। ये जर्कन है, इस जर्कन का रेट है यहाँ से 3 रुपए 50 पैसे। यही पैटर्न अगर आप मेरे में एडी में लोगे, कम से कम 20 रुपए 25 रुपए का ये एडी का पैटर्न आएगा। एडी का मतलब होगा अमेरिकन डायमंड, जो बाहर की चीज आती है। कॉपियां भी मार्केट में अवेलेबल है और ओरिजिनल भी अवेलेबल है, खरीदार जैसा होगा माल उसको वैसा मिल जाएगा, ठीक है भैया। इस तरीके से आप थोड़ी ज्वेलरी की बात कर लेते, देखिए ज्वेलरी की आइटम की, तो ज्वेलरी का आइटम अपने पास यहाँ से स्टार्टिंग होता है, देखिए ये होता है स्टार्टिंग प्राइस, यहाँ से पड़ता है भैया 1 रुपए का है, 1 रुपए का सिर्फ, 5 रुपए की जोड़ी, 10 रुपए की जोड़ी, हर बाजार में जैसे हल्का लग रहा है आपको 5 का बेच दो, भारी लग रहा है 10 का बेच दो, 1 रुपए का आइटम है 12 रुपए दर्जन, ठीक है, ठीक है। 75 पैसे 50 पैसे में कुछ नहीं आता, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इन लालच में मत पड़ा करो कि भैया 50 पैसे में वो बता रहा है, 1 रुपए में बता रहा है, हर चीज़ नहीं होती है। ये अगर 10 रुपए 5 रुपए बिक रहा है तो इसको मान लो कि 1 रुपए का है। अगर मैं आपसे कहूँगा भैया थोड़ा भारी आइटम लेके जाओगे, इस तरीके के पैटर्न अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आइटम 20 रुपए 10 रुपए बिक्री का है, इसकी जो खरीद है 2 रुपए 50 पैसे खरीद आएगी, इस तरीके से अलग अलग रेट है। ये 3-in-1 पैटर्न का है, इसमें 1.25 पैसे का पड़ता है, 1.25 पैसे के हिसाब से समझोगे तो जोड़ी बेचनी है आपको, 2 रुपए 2.5 रुपए के हिसाब से समझोगे तो 20 रुपए का कट करके बिकता है, जो 3-in-1 आइटम कहा जाता है। तो जैसी क्वालिटी वैसा रेट रहेगा, ये नहीं हर आइटम 1-2 रुपए, हर आइटम 1-2 रुपए। उस दुकान में जहां पे तुम्हें हर आइटम 1-2 रुपए बताया जाए ना, समझ लेना कितना बुरा आपके साथ होने वाला है, क्योंकि जैसी क्वालिटी होती है। 1 रुपए का आइटम याद रखना हमेशा 5-10 से ज्यादा नहीं बिक सकता। कोई आपसे कहे कि भैया ये देख लो इतना बढ़िया हार है, मेरे यहाँ से 10 रुपए का है, मैंने जैसे समझाया डब्बा ही खाली 20-25 रुपए का, हार तो बहुत दूर की चीज हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझ के चले भैया है। इस तरीके देखिए, थोड़ी बढ़िया की बात करूं, ऐसे कान की बालियां वगैरह मेरे पास जो स्टार्टिंग होती है वो होती है भैया 50 पैसे से, ठीक है। अब ये आइटम की कान की बाली की बात करिए तो वो मैं आइटम आपको दिखा देता हूं अभी, देखिए थोड़ा ढूंढने में समय लग रहा है, मैं नेक्स्ट आइटम में दिखा दूंगा। स्टार्टिंग प्राइस 50 पैसे से है, इस तरीके की आप बाली लोगे, ये पड़ती है मेरे पास 1.5 रुपए की, 1.5 रुपए की रिटेल के अंदर, 10 रुपए की हर बाजार के अंदर बिक जाती है, बिना किसी हिचकिचाए आप बेच सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ आपको गोल्ड प्लेटेड आइटम दिखाऊंगा मैं, ऐसे देखिए गारंटी वाला आइटम, यहाँ से जो पड़ता है 2.5 रुपए का पड़ता है, 2.5 रुपए का पीस है, रिटेल के अंदर आप कितना ही बेचोगे 20 रुपए का पीतल के नाम पे, क्योंकि थोड़ा पीतल चलेगा, हल्का तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये 10 रुपए का बेच सकते हो। ऑप्शन जब कोई कस्टमर कहे भैया ये भी 10 रुपए का दो, तो समझना अगर ये 10 रुपए का तो फ्री थोड़ी दूंगा भाई, जब इसकी कीमत कुछ है तो इसकी बढ़ेगी। तो 2.5 रुपए का पीस है, इसकी 6 महीने की गारंटी होती है काला पड़ने की, आप 10 रुपए का हर बाजार में सेल कर सकते हो। थोड़ी बढ़िया की बात करूंगा तो देखिए, ऐसे गोल्ड प्लेटेड में समझा रहा हूँ मैं आपको, ये आएगा दुकान में बोल देते हैं 5 रुपए 10 रुपए, भैया जब इसका 50 रुपए बाजार का प्राइस है ना, 12.5 रुपए इसकी खरीद है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी 3 साल की गारंटी है। डेक्चून का आइटम चाहिए भैया, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आपको होलसेलर के नंबर दूंगा, जो आइटम मेरे पास होगा उसका जानकारी दूंगा, जो मेरे पास नहीं हो। डेक्चून का आइटम चाहिए, सीधा राजस्थान राजकोट पहुंचे, अपना सदर बाजार में आने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर बोल रहा हूँ, राजकोट जाए अगर आपको डेक्चून चाहिए, और गारंटीड आइटम चाहिए कहीं से भी ले, गारंटीड का रेट हमेशा बढ़ के आता है। इस तरीके से आएगा, ये देखिए 20 रुपए का पीस पड़ता है, रिटेल के अंदर ही आराम से 80 रुपए 100 रुपए का बिकता है, इसकी गारंटी आपको 5 साल की मिलेगी, काला पड़ेगा आप मेरे से बदल के कभी भी दूसरा आइटम लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए ऐसे गारंटी वाला आइटम, तो देखिए गारंटी वाला आइटम में भी मैं आपको समझाऊंगा। इस तरीके से अंगूठियों की बात करी जाए, अंगूठी की वैरायटी मेरे पास जो स्टार्टिंग होती है ये होती है 2 रुपए 2.5 रुपए से स्टार्टिंग, रिटेल के अंदर हर बाजार में 10 रुपए की बिकती है। अगर आप छोटे दुकानदार हैं, 15-20 हज़ार लगा के इस व्यापार को करना चाहते हैं, आप मेरे से कोई भी आइटम 12-12 24-24 डब्बे मत लीजिए, जैसे मैंने ये आइटम आपको दिखाई है, तो इसके 12 डब्बे ना करके 12 डब्बों में से एक एक पत्ता निकाल के मिक्स करके लेके जाओ, रिटेलरों के लिए ये बात है। होलसेलर अगर इस चीज़ को देख रहा है तो थोड़ा रेट में गुंजाइश हो जाएगी, होलसेलर अगर वो करना चाहता है, क्योंकि वो फिर हमसे क्वांटिटी लेगा, तो थोड़ा सा 50 पैसे 1-2 रुपए का डिफरेंस आता है, और होलसेल के अंदर इतना ही मार्जिन रखना पड़ता है, ठीक है। ये आपकी होगी 10 रुपए बिक्री के आइटम। थोड़ी बढ़िया की बात करूँगा तो देखिए ऐसे आएगा,
इसमें भी अलग अलग रेंज आती है, छोटी बड़ी साइज 5 रुपए से लेकर 7.5 रुपए तक की रेंज आती है। इसके अंदर आपको 1 साल की गारंटी मिलेगी, हैवी पैटर्न रहने वाला है। इसके आप 3 पैकेट जोड़ लेना और इसका 1 पैकेट जोड़ लेना तो इसका वजन की बराबरी होगी। तो ये ठोस माल होता है जो 20-25 का हर बाजार में बिक जाता है। अगर चाहिए आपको गारंटी वाला आइटम तो देखिए गारंटी वाला आइटम इस तरीके से होता है। देखिए इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, फोटो खींच लें इस प्रोडक्ट का, लाइफ टाइम गारंटी है, काला पड़ेगा मैं जिम्मेदार हूँ। इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी अपने पास मिलने वाला है, जिसका रिटेल प्राइस आप गोल्ड कह के भी जितना मर्जी हैवी सस्ता जैसे मर्जी बेच सकते हो। और गोल्ड प्लेटेड टॉपस चाहिए, गोल्ड प्लेटेड टॉपस सुनार का आइटम है, ऐसे समझ लो मैं तुम्हारा भाई सोनू भाई तुम्हें सोना दे रहा है, जिंदगी में काला पड़ेगा मैं बैठा हूँ उसके लिए, जिंदगी के आइटम दे रहा हूँ मैं आपको, कस्टमर का सोना बेच के जो मर्जी रेट ले सकते हो वो ले लेना, ठीक है। इस तरीके के आइटम मेरे पास मिलने वाला है। हल्का चाहिए तो देखिए हल्के में आइटम की बात करूंगा, झुमकियों में इस तरीके से आइटम स्टार्ट होता भैया 5 रुपए 60 रुपए दर्जन का आइटम है। मैं पहले बोल रहा हूँ 1-2 रुपए वालों के लिए वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं हर आइटम जो पूरी वीडियो देख रहा हूँ वो सोच रहा हूँ 1-2 रुपए भाई मत देख इस वीडियो को, तेरे लिए मतलब कि है ही नहीं वीडियो 1-2 रुपए वाली। तो मैं जैनमैन बता रहा हूँ 5 रुपए का आइटम है जो रिटेल के अंदर 20 रुपए का बिकता है, 2 रुपए 4 रुपए की झुमकी नहीं आती। अब एक चीज ये सकल देख के चलना है, 5 रुपए का आइटम मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इस तरीके अगर हैवी की बात करूंगा तो देखिए हैवी में आइटम ऐसे आते हैं, दुकानों में ये आइटम दिखाया जाता है भैया ये देखो ऐसे 5-5 रुपए की मिलने वाली है, इस तरीके के आइटम दिखाए जाते हैं हर वीडियो के अंदर 5-5 रुपए की। तुम खुद एक लेडीज हो या बहन जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, भाई मार्केट में जब निकलता होगा ऐसा आइटम देखता होगा बिकता हुआ, या बहन कभी इस दुकान पे जाती होगी ऐसा आइटम देखती होगी, 70 रुपए 100 रुपए जो रिटेल प्राइस है वो 5 रुपए का बताया जा रहा है, सिर्फ ऐसा आइटम दिखा के लालच देता है। ऐसी आइटम भैया 5 रुपए से स्टार्ट है भैया, नहीं होती 5 रुपए, 5 रुपए के आइटम की सगल इस तरीके की दिखेगी हल्का। इसके आप जैसे एक ये उठाओगे ना ऐसे में इसकी 6 की झुमकी का पूरा पत्ता आएगा, इसका एक ये तब ये बराबर बैठेगी, तो 5 रुपए की लायक शकल होती है और ये थोड़ी भारी होती है। इस तरीके के अगर आप झुमके लोगे तो मेरे पास होगा 18 रुपए 20 रुपए 22 रुपए हैवी में। हल्के की बात करोगे तो हल्के में ऐसे स्टार्ट हो जाता है, देखिए 12 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, 12 रुपए 13 रुपए 15 रुपए ऊपर जितनी मर्जी रेंज ले सकते हो वो मिल जाएगी भैया। क्वालिटी जैसी रेट वैसा रहने वाला है। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फाइबर के अंदर, फाइबर पैटर्न नया आ रखा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज पैटर्न भी अलग होते हैं, ये फाइबर पैटर्न है। इस तरीके से आपको चाहिए 99 वाला आइटम वो भी अपने पास मिलने वाला है। ये देखिए इस तरीके से 27.5 रुपए का पीस है भैया, मैं दोबारा कह रहा हूँ 27.5 रुपए का पीस है, ये मत सोचना भैया 2-4 मैं दोबारा बोलूंगा मैं नहीं हूँ इस तरीके का दुकानदारी नहीं करता हूँ मैं कि हर चीज़ को लालच देके बैठ जाऊँ, कल मेरे पास आओ तो मैं आंसर भी ना दे पाऊँ। इसमें जैसी क्वालिटी चाहिए वैसे मिल जाएगा, मिक्स करके मिल जाएगी। हेयर एसेसरीज की बात करी जाए देखिए ऐसे टिक टिक की वैरायटी मिलने वाली है अपने पास, पड़ेगी यहाँ से मात्र 75 पैसे की, सस्ता आइटम है, 75 पैसे का आइटम है, 5 रुपए की जोड़ी हर बाजार में बिक जाती है। थोड़ी बढ़िया चाहिए इस तरीके से आएगी 1 रुपए 25 पैसे, रिटेल के अंदर कितने कम बेचोगे 10 रुपए की जोड़ी हर बाजार में बिक जाती है। थोड़ी बढ़िया की अगर बात करूंगा तो देखिए ऐसे टिक टिक वगैरह में जो चल रही है इस तरीके की वैरायटी आएगी। ये देखिए भैया बढ़िया में चाहिए तो इस तरीके जाएगी 2.5 रुपए 3 रुपए 5 रुपए ऐसे अलग अलग जाएगी, जो रिटेल में 20-20 रुपए 30-30 रुपए की सेल आउट कर सकते हो, ठीक है भैया। साड़ी पिन की बात करिए देखिए ऐसे साड़ी पिन मिल जाएगी, 2 रुपए 50 पैसे से स्टार्टिंग होती है, रिटेल में 10 रुपए की बिकती है। जैसा आइटम दिखा रहा हूँ वैसा ही वो रिटेल होएगा। थोड़ा बढ़िया चाहिए ऐसे देखिए 7.5 रुपए 10 रुपए में इस तरीके की वैरायटी मेरे पास मिलने वाली है। रिटेल के अंदर आप 25-30 रुपए इजीली डबल का आइटम रख, अगर आपको रोज कमाना है डबल का मार्जिन रखना, मैं 2 की चीज दे रहा हूँ 5 की बेच लेना ज्यादा इतना ही बहुत है, कोई 10 की चीज दे रहा हूँ 25 तक की बेच लेना, इतना मत करना कि आपने मैंने 2 रुपए की 10 रुपए की दी आपने उसकी 50 की बेचने की सोच ली। सामने वाली की आंखों में मिर्च मत डालने की कोशिश करना, एक बार डाल पाओगे रोज नहीं डाल पाओगे। रोज दुकानदारी के लिए जेन्युइन रेट होना चाहिए, जेन्युइन दुकानदारी जेन्युइन व्यवहार, तब आपके पास दुकानदारी बनेगी, ठीक है भैया। चाहिए कुछ ऐसे गोटा चांदी की पायल वगैरह तो देखिए वो भी अपने पास मिलने वाली है। इस तरीके से देखिए ये लोहिया है, चमक धमक दिखा दी जाती है, बोल दिया जाता है भैया गोटा चांदी की पायल मेरे पास से स्टार्टिंग आती है 10 रुपए 12 रुपए, कभी नहीं आती असली गोटा चांदी की पायल 15 रुपए 20 25 75 जैसा हैवी ले सकते हो वैसे लो। माल की कोई कमी नहीं रहेगी, आप सोचो भैया कि बोल रहे हो माल की कोई कमी नहीं है, माल जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, पर जैसा रेट वैसी क्वालिटी है। सारे पैकेट खोल के दिखा सकता है, बहुत मुश्किल से समय निकल पाता है, इसलिए जितना हो सकता है उतनी जानकारी आपको दी जा रही है। लोहे के अंदर आपको 10 रुपए से स्टार्टिंग मिल जाएगी, गोटा चांदी में 15 20 45 75 जितना हैवी ले सकते हो उतना हैवी मिल जाएगी मेरे पास वैरायटी, ठीक है। इस तरीके में अगर बिछिया चाहिए तो देखिए वो भी अपने पास मिलने वाली है, ऐसे बिछिए की वैरायटी मिल जाएगी 3.5 रुपए 42 रुपए दर्जन, ये भी 1-1 2-2 रुपए में नहीं आती, लोग पता नहीं बोल देते हो कष्ट। मैं दुकानदार को सलाम करता हूँ वो बोलता है जी, वो कस्टमर महान है जो उस चीज़ को सच भी मान लेता है,
तो ये मत सोचो भैया और दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, इस चीज को सच भी मत मान ले करो एक दो रुपए माती है। तुम खुद गोटा चांदी, चांदी का नाम है उसके अंदर कुछ प्रतिशत चाहे मैं करो 2% चांदी है, चांदी तो मिक्स है ना भाई, तो चांदी की कीमत तो देख लो क्या जा रही है, 3.5 रुपए का आइटम है 42 रुपए दर्जन, रिटेल के अंदर आप 20 रुपए 40 रुपए ये चौके के हिसाब से बेच सकते हो, पीस का रेट और चौके का रेट हमेशा अलग होता है ठीक है। ऐसे नजरिया वगैरह मिल जाएगी अपने पास, 2-3 रुपए की नजरिया मिलने वाली है बढ़िया, आप जितना मर्जी ले सकते हो। इस तरीके की चैन वगैरह चाहिए, चैन वगैरह अपने पास मिलने वाली है, देखिए मालाएं वगैरह 7.5 रुपए 90 रुपए दर्जन का आइटम है, हाँ 7.5 रुपए 90 रुपए दर्जन का आइटम है बढ़िया जितनी चाहिए। ऐसे देखिए मंगलसूत्र का भी पैटर्न कह सकते हो, 12 रुपए 15 रुपए 18 रुपए 20 रुपए ऐसे पैटर्न है। अगर आपको भैया रेट तो बोले जा रहे हो बताने, मिक्स है बहन, अलग अलग रेट की क्वालिटी है, स्टार्टिंग प्राइस बोल रहा हूँ खाली मैं। मंगलसूत्र की जब बात छेड़ी दी तो मंगलसूत्र की वैरायटी भी देखिए आप, मंगलसूत्र की वैरायटी अपने पास स्टार्टिंग जो हो जाती है वो होती है आपको 7.5 रुपए से, 7.5 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है बढ़िया, आप जितना मर्जी ले सकते हो। इस तरीके की वैरायटी आएगी 7.5 रुपए का है, रिटेल के अंदर 35-40 रुपए का इजीली सेल आउट कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा यहाँ से पड़ने वाला 12 रुपए का, कितने कम बेचोगे 20-25 का बेच दोगे। मैं हर दुकानदार को सलाह दूंगा कभी भी एक वैरायटी कैच करके ना लेके जाएं, आपका बजट कम है आप आधा आधा डब्बा मिक्स करा के लेके जाएं, क्योंकि जब आपको मैं दो वैरायटी दिखाऊंगा तब आप एक लोगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि आप एक लेके गए वो बिक भी गया, तो हमेशा दो दो वैरायटी लें, चाहे बजट कम हो थोड़ा थोड़ा लेके जाएं, वैरायटी सारी होनी चाहिए बढ़िया में चाहिए। ऐसे गोल्ड प्लेटेड आएगा होगा 25-40 रुपए में स्टार्टिंग हो जाती है हमेशा। ऐसे लूज में आइटम लेना चाहो तो वो भी मिलेगा, लूज के अंदर मेरे पास जो वैरायटी स्टार्ट होती है वो होती है 18 रुपए 22 रुपए 24 रुपए 36 रुपए, इस तरीके से लूज में होती है। अगर आप डबल का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा देखिए इस तरीके की मार्केट में डब्बियां आती है खाली, यहाँ से मैं जैसे कोई मंगलसूत्र आपको दे रहा हूँ 15 रुपए का, समझाने के लिए बता रहा हूँ 15 रुपए का मंगलसूत्र है, 2 रुपए की डब्बी लगाओ 17 रुपए का हो गया, आप मेरे से डब्बी का ही खरीद के लेके जा रहे हो 30 रुपए का, आप 2 रुपए लगा के खुद उस डब्बी को रेडी कर लो और मार्केट के अंदर वही मार्जिन ले लो जो आप मेरे से खरीद के भी मार्जिन कमाने वाले हो, तो मैं आपको कहूंगा लूज भी माल अपने पास मिलने वाला है। हेयर बैंड वगैरह की स्टार्टिंग वही अपने पास 1 रुपए 2 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, नॉर्मल बिक जाती है, जितना मर्जी आप चाहो वो बेच सकते हो ठीक है। इस तरीके से चाहिए आपको कुछ बॉबी पिन वगैरह, बॉबी पिन की वैरायटी अपने पास मिलने वाली है, यहाँ से जो स्टार्टिंग पड़ती है भैया वैरायटी बहुत है आप देख सकते हो, समय कम पड़ जाएगा वैरायटी कम नहीं पड़ेगी आपको। मैंने क्या कहा 25 से 30 हज़ार 20 हज़ार इस बजट को लगाइए। अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी वाला भैया मैं ज़्यादा नहीं बड़े बात कहते हैं कि भैया 1-2 लाख रुपये का तो व्यापार बहुत हो जाता है, आप अगर 50,000-70,000 वाले नौकरी वाले हो इस व्यापार को कर लो, आपको नौकरी से बढ़िया व्यापार ये लगेगा ठीक है। किसी की सुननी नहीं सुनानी नहीं, सिर्फ अपनी अपनी करनी है, मन करे दुकान खोली मन करे नहीं खोली ठीक है। एक बार पैसा लगाने की कभी जरूरत ना करें कि आपके पास 10 लाख एक साथ लगा दिया, थोड़ा थोड़ा व्यापार में पैसा लगाइए, रोज मुनाफा कमाइए उसी का पैसा उसी में लगाइए, तब आपकी दुकानदारी चलेगी ठीक है भैया। इस तरीके से फेस वॉश वगैरह चाहिए, फेस वॉश नीम का अपने पास मिलने वाला है, चाहिए ऐसे ब्रुश वाली लिपस्टिक मिल जाएगी अपने पास 7.5 रुपए पुराना रेट अपना 7.5 रुपए 90 रुपए दर्जन बढ़िया जैसी क्वालिटी रेट वैसा मिलने वाला है। ग्लोस के अंदर लोगे ग्लोस का रेट हमेशा अलग होता है, ये देखिए बढ़िया का भैया कहेंगे एकदम महंगी दिखाई, महंगी नहीं भैया ग्लोस का आइटम है, 24 घंटे में पक्के अंदर चाहिए, प्रिंटेड है, लिप ग्लोस का आइटम है, स्टार्टिंग प्राइस इस तरीके के लोग 35 रुपए 40 रुपए होती है। हल्का आइटम मैंने आपको दिखाई दिया 7.5 रुपए, जैसी खरीदे वैसा बिक्री, अगर 100 रुपए का आइटम बेचना चाहो तो ये आइटम कभी 100 रुपए का नहीं बिकता, 100 रुपए के लिए 100 रुपए जितनी शकल भी दिखनी चाहिए ठीक है भैया। हल्के में थोड़ा ऐसे दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके से आएगा आपका 25 रुपए। ग्लोस के अंदर की बात करी जा रही है तो ग्लोस तो पीछे छोड़ना ही नहीं है भैया, ग्लोस ही दिखाने, तो ग्लोस देखो आप इस तरीके से मिक्स ग्लोस के अंदर आएगा, 24 घंटे का स्टे है, यहाँ से जो स्टार्टिंग प्राइस पड़ने वाली है वो पड़ेगी आपको 22 रुपए। ये देखिए लगाने में देखिए कितना हार्ड लग रहा है, ये बिल्कुल हार्ड ग्लोस है। इस तरीके की वैरायटी जो भी होती है सस्ती बढ़िया मेरे पास सब है, पर खरीदार जैसा आएगा उसको माल वैसा दिखाया जाएगा। आपका नया काम है, आप मुझे बजट बोलिए, थोड़ा थोड़ा वैरायटी मिक्स करके आपको सारा दे सकता हूँ, जैसे टॉपर्स दे दूंगा 20-25 हज़ार का बजट है उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, टॉपर झुमके बाली मंगलसूत्र क्लिप क्लेचर हेयर बैंड रबड़ बिंदी चूड़ी कड़े पायल बिछिया ये सब वैरायटी मैं आपकी थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत करने के हिसाब से दे दूंगा, जैसा कारोबार आपका चलने लगेगा बाद में अपना आप जैसा लगे बाद में मंगाते रहना ठीक है भैया। इस तरीके से आपको चाहिए देखिए बीबी क्रीम सीसी क्रीम फाउंडेशन वगैरह का पैटर्न वो भी अपने पास मिलने वाला है, शेडिंग होती है, 99 रुपये MRP है, MRP से बेचना चाहो हल्का बेचना हो जैसे मर्जी आप बेच सकते हो। ऐसे नेहा कीप के डब्बे चाहिए अपने पास जो रेट रहने वाला भैया 3 रुपये 36 रुपये दर्जन, जितना माल चाहिए उतना मिल जाएगा, सिंगल बॉक्स पैकिंग का क्वांटिटी ऑर्डर करना वो भी आप कर सकते हो, स्पेशली क्योंकि करवा चौथ स्पेशल थोड़ा आइटम हो जाएगा ये, तो इस टाइम सीजन है तो आप ले सकते हो। बिंदी की वैरायटी में एक चीज समझाना चाहूंगा, दुकानों में बोलते हैं 25 पैसे 75 पैसे, 5 रुपए का कार्ड बिक रहा है आपको कोई आपका रिश्तेदार थोड़ी जो 25 पैसे 75 पैसे का आइटम देगा, ईमानदारी से लोग सुरुचि कंपनी का है यहाँ से पड़ेगा 2 रुपए का, 2 का लो, कई कस्टमर कहेंगे भैया हमारे यहाँ भी ये रेट मिल जाता है,
मेरी बहन मेरे भाई, बिंदी और रबड़ हर बाजार में हर मोहल्ले में बन जाती है, इसलिए रेट मिल जाता है। सिर्फ ये वो बात हो जाती है, आप सारी वैरायटी ले रहे हो सगुन के लिए हो जाती है, एक दो वैरायटी डाल ली, आपको हिचकिचाहट हो तो अपने यहाँ से भी ले लेना, कोई डिफरेंस की बात नहीं आती इतनी, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी बढ़िया की बिंदी चाहिए तो ऐसे ब्राइडल बिंदी भी अपने में मिलने वाली है जो थोड़ी गारंटी में हो जाती है। सारा खेल खाली गोंद का है, बिंदी एक ही जैसी होती है, सारा खेल गोंद का है, अंदर क्वालिटी किस बेस की लगी है। ऐसे पैड वगैरह चाहिए, देखिए पैड वगैरह अपने पास मिलने वाला, पुराना रेट अपना 12-13 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है जी। इस तरीके के देखिए, काजल वगैरह की बात करूं, काजल वगैरह की यहाँ से MRPS की 10 रुपए, अपने पास भैया 2 रुपए का पड़ेगा, 24 रुपए का पूरा पत्ता है, 1 रुपए का नहीं है, 1 रुपए का नहीं है, 2 रुपए का है, आराम से कितने बेचोगे 10 रुपए का हर बाजार में बिक जाता है। पेंसिल वाले काजल की बात करूंगा, पेंसिल वाला काजल अपना वही है, 4-5 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। लिप ग्लॉस की बात करी जाए, 20 रुपए बिक्री का आइटम है, खरीद का अंदाजा लगा लेना खुद ही, 20 रुपए बिक्री का आइटम है, 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक में इसमें एक भी खरीद नहीं आएगी, 20 रुपए बिक्री का, इसका ईमानदारी का रेट पड़ेगा 6 रुपए, डबल से ऊपर का मार्जिन आप इसमें ले सकते हो, ठीक है भैया। बाकी दिखाने को वैरायटी बहुत है, इशारों में वैरायटी समझा रहा हूँ, जितना हो सके उतना देख लीजिए। ऐसे चैन की वैरायटी चाहिए, चैन की वैरायटी अपने पास होती है 6-72 रुपए दर्जन से स्टार्टिंग होती है, बढ़िया आप जितना मर्जी ले सकते हो। ऐसे हेयर एसेसरीज की, ऐसे टिक टिक वगैरह चाहिए, मैंने आपको जैसे बताया था 75 पैसे से स्टार्टिंग होती है। ऐसे फैंसी चाहिए, फैंसी की स्टार्टिंग आपको 10-12 रुपए में होगी, हल्की वैरायटी भी आपको मैंने बताई है 2-3 रुपए, पर वैरायटी जैसी क्वालिटी वैसी है। हेयर एसेसरीज की ऐसे क्लिप की वैरायटी मेरे पास जो स्टार्टिंग होती है वो होती है भैया 75 पैसे से, 75 पैसे से स्टार्टिंग हो जाती है, फिर 1.25 रुपए आएगी, इस तरीके से जाएगी 2 रुपए, 2.5 रुपए, 7.5 रुपए। क्लेचर की बात करूंगा, देखिए क्लेचर की वैरायटी इस तरीके से अनब्रेकेबल क्वालिटी स्टार्ट हो जाती है, हल्का भारी सब दिखाऊंगा, इस तरीके से क्लेचर की वैरायटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से जो अपने पास पड़ने वाला है बड़ा क्लेचर पड़ेगा आपको 2-2.5 रुपए, 3 रुपए, ऐसे मिनी क्लेचर पड़ेगा 75 पैसे का, बढ़िया जैसी क्वालिटी वैसी। अनब्रेकेबल क्वालिटी की बात करूँ इस तरीके से, एक चीज़ याद रखना भैया, मैं जो दिखा रहा हूँ इसका रेट ऊपर नीचे थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे मैंने आपको क्लेचर समझा रहा हूँ, क्योंकि आप मैं भैया क्लेचर में दिखा के और बता के रहा हूँ, भैया ये क्लेचर की वैरायटी मेरे पे कुछ भी नहीं ना, तो 200-250 वैरायटी खाली क्लेचर है। नेल पेंट की बात करूँ कुछ नहीं तो मेरे पे 180-175 नेल पेंट मिलेगी, लिपस्टिक की वैरायटी 250 से ऊपर चली जाती है, सिर्फ भैया ब्रांड का फर्क है। हाँ ब्रांड का फर्क, सिर्फ एक इशारा समझा रहा हूँ, इस तरीके का अनब्रेकेबल क्वालिटी मेरे पास जो 6-7.5 रुपए स्टार्टिंग होती है, ये देखो ये स्टार्टिंग प्राइस है, बाकी क्वालिटी आप देखोगे बड़े का रेट लोगे वो अलग आ जाएगा, छोटे का रेट लोगे अलग आ जाएगा, सिर्फ क्वालिटी समझा रहा हूँ। अब दिखने में ये भी साइज छोटा है, ये भी साइज छोटा है, पर जितना ये पूरा डब्बे का वजन है उतना खाली इस पैकेट का वजन है, इसका पूरे 6 पीस इसका 1 पीस ये बराबर के टक्कर देगा, इस हिसाब से रेट में थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। बाकी दिखाने को बहुत वैरायटी है दुकान में, जो जितना हो सके समय निकाल के एक बार दुकान पे आइए, रेट पूरी मार्केट में ट्राई करिए कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार दुकान पे आइए समय निकाल के, जैसा अच्छा लगे वैसा देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। थैंक यू भैया, तो कलेक्शन दिखाने के लिए।